हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी, अगर आप इस नुस्खे को अपने फेस पर लगा लेंगे तो ये आपके चेहरे के रंग को गोरा करने के साथ साथ आपके चेहरे के अनचाहे बालों को भी हमेशा के लिए हटा देगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा मैदा का। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच मैदा लिया है, आपको भी इतनी मात्रा में मैदा लेना होगा और अपने फेस पर लगाना होगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका यूज़ अपने फेस पर करेंगे तो ये आपके चेहरे के अनचाहे बालों को एक ही बार में हटा देगा। लेकिन आपको अपने चेहरे पर इसका यूज़ कैसे करना है, कितनी देर तक करना है और कैसे अपने अनचाहे बालों को हटाना है, इसके लिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बाजू के बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच मैदा लिया है, आपको भी इतनी मात्रा में मैदा को लेना होगा। अब आपको बस इसमें एक चीज़ मिलाकर अपने फेस पर इसका यूज़ करना होगा और उस एक चीज़ से ही आप अपने अनचाहे बालों को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें ऐड करना होगा रो मिल्क। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे रो मिल्क लिया है, आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में रो मिल्क ऐड करना है और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी मात्रा में रो मिल्क ऐड किया है और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आपको फ्रेंड्स इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना होगा क्योंकि ये एकदम गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार होना चाहिए। अगर हमारा पेस्ट पतला हो जाएगा तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा लेना होगा और हमारा पेस्ट भी ख़राब जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। जिस तरह से एक क्रीम होती है उस तरह से आपको इस पेस्ट को बनाना होगा। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको इसे अपने फेस पर लगाना होगा। आपको इसका यूज़ फेस पर कैसे करना है, सबसे पहले अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए ताकि आपके चेहरे के ऊपर जो डर्ट पॉल्यूशन है, गंदगी है, वो हट जाए। उसके बाद आप अपने चेहरे को किसी टॉवल से सुखा लीजिए और उसके बाद ही आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको इस पेस्ट को अपने हाथों में लेना है और इस तरह से अपने फेस पर लगाना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने फेस पर इसे लगाकर छोड़ दीजिएगा लगभग 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद फ्रेंड्स आपको इसे अपने फेस से रिमूव करना है। आपको इसे अपने फेस से हटाना कैसे है, आपको फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में इसे अपने फेस से हटाना होगा। ऐसा करने से फ्रेंड्स हमारे बाल चेहरे के इजीली निकल जाएंगे और वो जड़ों से भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे फेस पर ही वो दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो फ्रेंड्स जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपको इस तरह से अपने फेस पर लगाना है और जब आप इसे रिमूव करेंगे तो नीचे की तरफ आपको रिमूव करने हैं। इस तरह से हाथों से फ्रेंड्स आप रिमूव कीजिएगा और उसके बाद किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लीजिए या फिर मलाई लीजिए या एलोवेरा जेल लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे लेकर फ्रेंड्स थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको अपने फेस पर लगानी होगी और 2 मिनट की मसाज देनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप उस क्रीम को अपने फेस पर ही लगा रहने दीजिएगा। आप इस नुस्खे को एक बार यूज़ कीजिए, देखिए कैसे आपके अनचाहे बाल आपके चेहरे से हमेशा के लिए हट जाएंगे। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।